हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारे सबके घर में हो रही है वायरिंग। तो कल से स्टार्ट थी, लेकिन आज से पापा आ रहे हैं, छुट्टी है तो ड्यूटी नहीं गए, इसलिए मोबाइल घर पर मैंने आपको सोचा दिखा दिया जाए। तो चलते हैं, देखते हैं वायरिंग क्या क्या काम हुआ है। और वायरिंग में बहुत सारा सामान आया है, उसको भी। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ वायरिंग, देखता हूँ क्या क्या सामान हुआ है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मिस्त्री को सारा सामान बता रहे हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें पापा बता रहे हैं मिस्त्री को। मिस्त्री करेंगे अपने साथ से। वायर वाला काम मेरे बस का है नहीं, इसलिए मैं उसमें लपेटा, उसमें मैं फंसता नहीं, क्योंकि वायर उलझ जाता है गाइस। कौन सा वायर कहाँ डालना है, अगर इक्को बार गड़बड़ पूरा घर का तार खराब। क्या कैरम बोर्ड खेलना है घर में काम लगा, इनको कैरम बोर्ड खेलना है। यही सब वायरिंग हो रहा है यहाँ से। ये वायर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। यहाँ पर ये वायर आया है, पूरे घर में 2 mm का वायर डाला जा रहा है, 2.5 mm का वायर डाला जा रहा है। बहुत ही हैबस का सारा सामान हैबस का है। और ये देखिए सारा चीज़ें, पंखा भी हैबस का, सब सब सारे सामान। अब उस रूम से इधर आ गए हैं, पूरा वायर अब इधर फैल गया है। पहले हम सबका वायरिंग ऐसे था, पापा 3 तार लाकर यहाँ पे काम चलाते थे, इधर यहाँ पर, इधर ये वायर जाता था फैन में, फिर यही था सारा सिस्टम। और अब हो रहा है वायरिंग फाइनल, देख लीजिए। और गाइज अभी किचन इधर आ गया है, वहाँ पर अब चल रहा है काम। और सच्चा देख गाइज, देख लीजिए इतना सारा। और मम्मी ने इसे बैठा दिया है यहाँ पर। हाँ, मम्मी गई कुछ और सामान लाने और ये बैठ गए यहाँ पर, मसाला गूंद रहा है। तो चले देखते हैं और क्या क्या काम हुआ है। बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है घर में, और आधा ज़्यादा हो भी गया है, आधा ज़्यादा हो भी गया है। तो गाइस अभी इस कमरे का बाकी है, ये दोनों लोग अपनी लड़ाई कर रहे हैं, पूरा यहाँ का बिस्तर उस्तर सब हटा लिया गया है। और बाकी सिद्धि आकर मुझसे क्या कह रही है, क्या बता रही थी बताओ हमको। गाइस मैं इसको चैलेंज दे रही हूँ कि जो भी हाथ में पैसा निकला वो उसका हो गया। अच्छा, अगर मुझे 3 राउंड मेरे साथ 3 राउंड। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमको बताऊंगा किस हाथ में पैसा, तो मुझे वो पैसा दे दोगे 3 राउंड में। हाँ खाली 3 राउंड। हाँ चलो दिखाओ 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 दिखाओ। अरे पीछे से बताओ। पीछे से गया? हाँ बताओ, पीछे से बताओ। क्या पीछे से बताओ, दिखाओ हमको हाथ होता है। इसमें है कि नहीं कि पीछे रख लियो तो बता रही हो, है ना? समझ में आ रहा है इसमें है। गलत जवाब। चलो अच्छा, फिर से 3 राउंड बोली थी। आखिरी राउंड में मेरा नहीं, 3 राउंड बोली थी। अच्छा चलो चलो ठीक है सिद्धि, सिद्धि पैसा इसमें है। अरे यार 2 राउंड आखिरी एंड फाइनल राउंड में बता लिए तो पैसा मेरा। चलो अब तो तुम जानते हो कि इसी में है ना। पैसा इसमें है। नहीं, आखिरी एंड फाइनल। ऐसे दिशा दो 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 दो, यहाँ ए पहले रुको, यहाँ आओ पहले तुम, यहाँ आओ। रुक जाओ। जीत हो गई गाइस, इसकी जीत हो गई। मैं 5 रुपए जीत गया हूँ। बताओ क्या खाओगी? मैं खाऊंगी 5 किलो नल्ला तीखा वाला, जिससे हाँ, हम लोग हाँ, उससे हम लोग चैलेंज भी किए थे ना। हाँ, उसमें बहुत मजा आया। तो गाइस उस वीडियो को जाकर आप देखिए। हाँ बताओ। हाँ भैया सिद्दीक भाई बताओ। अरे ज्यादा चौड़े मत, बता दे रहा हूँ, बाहुबली है ये। गाइस फाइनली रात हो चुकी है, अब पूरा काम मतलब समझ लीजिए 90% काम हो चुका है। ये दोनों लोग एकदम शांति से बैठे हैं, क्योंकि अम्मा डांट खाएंगे। अम्मा सफाई कर रही थी, इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे क्या सारा काम हुआ है। मिस्त्री लाल ये बना रहे हैं, पता है। हाँ तो इसीलिए तो गाइस ये है हैवेल्स का बोर्ड लग रहा है पूरा। हमारे यहाँ जितना भी सामान है सब लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ मैंने बताया। अरे छुपाना तो ये सारे खिले हैं। और अभी इतने सारे ये हैं पावर प्लग, बाकी इसमें शांत रहो, ये नॉर्मल प्लग लगे हैं इसमें, और पावर प्लग वाला इसमें। रुको मैं आपको दिखाऊं। हाँ तो गाइज ये है एक पावर प्लग और ये है नॉर्मल प्लग,
क्यों दबा रहे हो अभी कुछ? सॉरी 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 भैया। और यहाँ पे ऐसा तार और निकला हुआ है तो इसमें सारे कनेक्शन है। और हमारे पास MCB इंडिकेटर वेटर पंखा चालू तेज करने वाला और बाकी इधर ये तो ऊपर की तरफ में दो पंखे लग चुके हैं इंडिकेटर वाला, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, इसको रिपेयर करवाना होगा जल्दी ही। और गाइज इधर पे भी हो चुका है कनेक्शन और नीचे तेल। तो गाइस मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसका हाल भी वैसे ही हुआ। आओ चलो दिखाती हूँ गाइस, हो रहा। हाँ उधर पे भी हुआ है और इधर वाला भी हो चुका है, क्योंकि इसमें लेंटर के समय पाइप में पता नहीं कुछ हमको लगता है पानी भी चला गया तो उससे वहाँ पे सीमेंट जाम हो गया है। और इसमें भी सारे लाइट लग चुके हैं अभी लोग, अभी इसमें पंखा लगाना बाकी है। तो इधर में भी बोर्ड वोर्ड खाली है, नॉर्मल ऐसे बोर्ड से काम चल रहा है वो वाले। तो गाइज मैं एक आपको फाइनल बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये S1 नीचे में होता है, आप कुछ टेस्ट करके दिखाओ। हाँ चलाओ, ये देखिए, ये अभी अभी गाय की पूरा नहीं बना है, अभी इसमें ये वाला पावर प्लग है, ये नॉर्मल प्लग है। तो इस वाले बटन का इस वाला कनेक्शन है, ये वाला इससे कनेक्शन है। गाइस ये है होल्डर, लाइट लग चुका है, इधर भी होल्डर लग चुका है। बाथरूम में आपको दिखाना है, जल्दी देख लीजिए ऊपर ऊपर, ये लग गया इधर होल्डर, यहाँ पे भी होल्डर। बाथरूम का वही भी है सेम, इधर होल्डर, इधर होल्डर, और ये वाला शायद वो राड वाला है कनेक्शन। और इधर पे इसका भी कनेक्शन बाकी है, तो उसमें ऐसे मतलब स्विच नहीं है, ये इसको रोकने के लिए ऐसे बनाया गया। इसमें स्विच नहीं लगा है, तीन में एक में इसमें पावर प्लग है, ओनली पावर प्लग। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें भी एक लगवा दिया जाए। तो गाइज ये पापा समझ रहे हैं अपना नाप जोक, बगल में शायद टाइल्स नहीं कट गई क्या, कट तो गई है, साइज चेक करें साइज, बस वो अंदर जाकर फिट हो जाएगा, उतना अंदर घुसेगा पापा। तो यहाँ पर भी एक हाँ वो दिलवा दीजिएगा ना। तो गाइस ये यहाँ पे मतलब जो पूजा वाला कमरा था यहाँ पे होल्डर लग चुका है, और इधर भी बोर्ड लगा दिए हैं। इसका क्या कनेक्शन है पापा? इसमें ट्यूबे स्विच लगा है ना, ये वाला ट्यूबे है ना। तो इससे क्या मतलब फंक्शन है, इसका क्या काम है यहाँ पे? ये इससे अगर आप यहाँ से आप करें सीढ़ी पर चढ़ना है। अच्छा, तो यहाँ से मान लीजिए आना आप कर दिया आपने, हाँ, तो वहाँ सीढ़ी पर एक और सेम ऐसे लगेगा, हाँ, ऐसे कुछ कनेक्शन है इसका, ताकि ऊपर चढ़ने के बाद उसको दबाओगे तो यहाँ जो है, हाँ, लाइट बुझ जाएगी, ऐसे रहता है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ भी चालू करोगे तब भी चलेगा, वहाँ चालू करोगे तब भी चलेगा, चलेगा वहाँ से बुझाओगे तो भी बुझेगा, यहाँ से बुझाओगे तो भी बुझेगा। हाँ ये अच्छा सिस्टम है, नया निकला है। तो गाइस ये पंखा भी इस कमरे में लग चुका है, लाइट भी लग चुका है इधर इधर, अभी इसमें एक पंखा बाकी, होल्डर होल्डर सब सेट हो चुका है। क्या उधर भी? हाँ इधर सब दिखाया मैंने। ये गाइस सिंपल सा अभी ऊपर कवर लगाना है, अभी ढीला है, इसको टाइट करना है अभी। तो गाइस ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे होल्डर वगैरह सब लगाना है अभी। और इधर पे अभी मतलब किचन का भी काम बाकी है, बस ऊपर ऊपर वाला सारा काम हो चुका है, इधर से नहीं हुआ है बस। और गाइस ये गैलरी का है, इसमें भी सारा काम हो चुका है, बस इसमें कनेक्शन देना बाकी है, बाकी आ गया बाहर मैं। और इधर पर भी वो हो चुका है, इधर लाइट, ये फैन बॉक्स है, इधर लाइट का, इधर होल्डर का। और बाजे में बता दूं कि जो है उसमें लाइट दूसरी कंपनी का लगा है, हैवल्स का नहीं लगा है, क्योंकि जो बाहर का लाइट है उसमें तीन कलर्स हैं, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं, एक वाइट सिंपल सा, दूसरा वाला हल्का येलो, तीसरा का डार्क येलो, तीसरा वाला। तो ठीक है वो हैवल्स का है, तो वो हैवल्स ऐसी चीज़ नहीं है, पापा हमेशा चाहते कि जो भी चीज़ लगाओ हैवल्स का ही लगाओ, तो हैवल्स का नहीं लगवा, अंदर सारा हर चीज़ हैवल्स का है। आपको बताऊँ मैं एक बात, आप यकीन नहीं करेंगे, जब पापा सामान लेने गए थे, टेप लेने की बात आई, पापा कहे टेप भी हैवल्स का होता है क्या? दुकानदार हैरान, कैन सब चीज़ हैवल्स का ले पका ऐसे अवधि में। तो पापा कहन ना कहा कहन, तो पापा कहे फिर तब कहा बनवा था हैवल्स, दुकानदार भी हंसने लगे।
तो गाइस ये अभी मिस्त्री आना कर रहा है। टाइम अभी कितना हुआ? काफी ज्यादा लेट रहे हैं, 7 बज गए वो लोग। आज काफी ज्यादा काम हुआ और काफी देर तक हुआ, तो तभी इतना सारा काम हो पाया, नहीं तो सिर्फ आज हॉल में आते फिर उसके बाद उसको घंटा करते वही सारा काम था। तो क्या ये लिपस्टिक लगा कर आई है इनकी आदत देखिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं फिर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।